हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 10.2 लाइंस एंड एंगल्स और पेज नंबर है 10.14। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लेवल वन का क्वेश्चन नंबर वन। जो स्टेटमेंट है मैं एक बार यहां पर पढ़ देता हूं। इन फिगर 10.31 OA एंड OB आर अपोजिट रेज। तो ये आपका फिगर 10.31 है और यहां पर आपको गिवन है OA, ठीक है, और OB। यहां पर दो रेज हैं जो कि आपस में कैसी है, अपोजिट रेज है ना। तो यहां पर आपको दो पार्ट गिवन है, तो सबसे पहले हम जो पार्ट नंबर वन है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो गिवन है वो एक बार देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आपके दो एंगल्स हैं, एक है 3x, ठीक है, और दूसरा है 2y+5। तो ये दो एंगल्स हैं आपके, है ना। और एक्स का जो वैल्यू है वो गिवन है 25 डिग्री एंड पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है, है ना। तो जो भी कंसेप्ट आपका किसी भी क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले हम उसका जो कंसेप्ट है वो एक बार स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर आपको दो एंगल्स गिवन है, एंगल AOC और एंगल BOC। अगर मैं कहूं दोनों आपके लीनियर पेयर एंगल्स हैं, है ना, तो आप पूछेंगे कि सर ये लीनियर पेयर होता क्या है। तो इसीलिए जो कंसेप्ट है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर पेयर होता क्या है, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो फिगर है, इसमें आपका लीनियर पेयर फॉर्म होता है। तो इस बात को समझने के लिए पहले जो लीनियर पेयर है उसको हम समझ लेते हैं एग्जांपल की मदद से। तो लीनियर पेयर की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, है ना। आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, उनको हम लीनियर पेयर कब कहेंगे, जब उनकी नॉन कॉमन आर्म्स कैसी होंगी, अपोजिट रेज होंगी, है ना। ये जो कीवर्ड्स हैं इन पर आपको ध्यान देना है। यहां पर आपकी नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी है, अगर मैं बात करूं, ये जो फिगर है आपका, है ना, ये वाला, अगर इसकी हम बात करें, इस फिगर में आपकी कॉमन आर्म कौन सी है, तो हम कहेंगे लेट से यहां पर आपके दो एंगल है, एक ये वाला, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक्स और इसको बोल दिया वाई, है ना। तो यहां पर जो कॉमन आर्म है वो कौन सी है, ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर ये जो OC है दोनों ही एंगल्स में आती है। अगर एंगल हम बात करें AOC की और BOC की, है ना, दो एंगल है आपके पास, तो यहां पर जो कॉमन आर्म है वो कौन सी है, ये वाली आप देख सकते हैं, ठीक है। और नॉन कॉमन कौन सी हो जाएगी, जो कि दोनों एंगल्स में ही कॉमन नहीं है, तो ये वाली हो जाएगी नॉन कॉमन, है ना, OA और OB। OA और OB आपकी कैसी हो जाएगी, नॉन कॉमन आर्म। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एंगल AOC और एंगल BOC कौन से हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स है, तो इनकी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में, है ना। ये जो कंसेप्ट है एडजेसेंट एंगल्स का, ये हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वहीं पर यूज होता है, है ना। तो अभी के लिए मैं इस कंसेप्ट को तो छोड़ देता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि लीनियर पेयर होता क्या है, है ना। आप मान लीजिए ये जो आपके एंगल्स हैं ये कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स, यानी एक दूसरे के बगल में है, एक्स और वाई, है ना। तो ये जो आपका नॉन कॉमन आर्म है तो ये आपकी कैसी होनी चाहिए, अपोजिट रेज होनी चाहिए। अपोजिट रे होगी तो इसका मतलब है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जैसे ही होती है तो इस पर जितने भी एंगल्स होंगे और उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ऑब्वियसली। यानी मैं कह सकता हूं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट, यानी एक्स और वाई जो है आपका, एंगल एक्स और एंगल वाई, ये बेसिकली क्या हो गए आपके, लीनियर पेयर। तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर वन के सॉल्यूशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीनियर पेयर होता क्या है, उसके हिसाब से क्या होगा, जो आपके 3x है और 2y+5 दो एंगल है ना, ये दोनों कैसे एंगल्स होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, और बेसिकली, है ना, ये दो एंगल है और आपका OB और कौन सा आर्म OA, ये दोनों कैसी हैं आपकी, नॉन कॉमन आर्म्स हैं, है ना, और ये बेसिकली आपके अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आपका 3x और 2y
प्लस फाइव, ये आपस में कैसे होंगे, आपके लीनियर पेयर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और यहां पर आपको गिवन है कि AOC जो एंगल है, AOC है ना, AOC इसका वैल्यू है 2y प्लस 5 डिग्री, प्लस BOC का वैल्यू है आपका 3x, देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और पार्ट वन के लिए आपको गिवन है x इज इक्वल टू 25 डिग्री, तो आप x का वैल्यू पुट कर दोगे यहां पर, है ना, 2y प्लस 5 प्लस 3 इंटू 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2y प्लस 80 इज इक्वल टू 180, और 2y का वैल्यू हो जाएगा आपका 180 माइनस 80, तो ये आपका 100 ही यहां पर बचेगा, और यहां पर जो y का वैल्यू है वो कितना आएगा, 50 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 50 डिग्री इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट टू की। तो पार्ट टू में सिर्फ आपको इतना चेंज करना है, ये जो इक्वेशन है, यहां पर जो इक्वेशन है, यहां पर y का वैल्यू आपको क्या रखना है, 35 डिग्री, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपको वैल्यू फाइंड करना है x का, तो x का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आप 35 यहां पर रख दीजिए, प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री, है ना। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, 35 डिग्री ही आएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर योर सेकेंड पार्ट। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। इन फिगर 10.32 राइट ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल द लीनियर पेयर्स। तो यहां पर आपको बताना है फिगर में देख के कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं और लीनियर पेयर कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां पर फिगर है 10.32, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, ठीक है, कब कहेंगे दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स आप कब कहोगे। यहां पर तीन कंडीशन गिवन है, इनको एक बार देख लेते हैं। इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, ठीक है, जब उनका वर्टेक्स बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, तो वर्टेक्स यहां पर सबका सेम है, है ना, कोई भी एंगल हो तो वर्टेक्स आपका सेम रहेगा। ओ जो है आपका ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स है, दिस इज योर वर्टेक्स। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल करता है फर्स्ट वाली। सेकंड, दे हैव अ कॉमन आर्म, अगर उनकी जो आर्म है एक कॉमन होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक कॉमन आर्म है, अगर मैं इन दो एंगल्स की बात करूं, एक इसकी और इसकी, तो यहां पर आपकी एक कॉमन आर्म मिल जाएगी आपको। थर्ड वन, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है, जो अनकॉमन आर्म होगी यानी नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, नॉन कॉमन का मतलब जो कि बेसिकली कॉमन नहीं होगी, है ना, सीधा सा मतलब है। तो ये वाली आर्म और ये वाली आपकी कैसी हो जाएगी, अनकॉमन आर्म, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC, एंगल AOC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल BOC और एंगल AOC बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो हम इन दो एंगल्स को क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स, और लीनियर पेयर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहां पर अब आपको बताना है कि कौन सा आपका लीनियर पेयर है और कौन सा एडजेसेंट एंगल्स है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स आपके कौन कौन से इस फिगर में बनते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं AOC की, AOC, ठीक है, ये वाला एंगल और आपका COB, COB, है ना, इसमें क्या हुआ है, आप ध्यान से देखें, आपका एक कॉमन आर्म है, ठीक है, OC आपका कॉमन आर्म है, और यहां पर वर्टेक्स आपका सेम है ना,
और आपकी जो अनकॉमन आर्म है वो बेसिकली कॉमन आर्म के इधर उधर है, तो हम कह सकते हैं आपका एक पेयर हो जाएगा ये वाला एंगल ए ओ सी, और आपका एक हो जाएगा एंगल सी ओ बी। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? अगर हम बात करें ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, और कौन सा हो जाएगा? एंगल बी ओ डी, है ना? ये भी बन सकता है एंगल ए ओ डी, और आपका हो जाएगा एंगल बी ओ डी। ठीक है, आप और एंगल्स देखें, क्या कोई और ऐसा बन सकता है एडजेसेंट एंगल्स? यस, अगर हम बात करें ए ओ डी और सी ओ डी, आप ध्यान से देखें ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी ये वाला, और सी ओ डी, सी ओ डी, तो ये भी बन सकता है आपका, है ना? और कोई बन सकता है? यस, बी ओ सी और एंगल सी ओ डी, आप ध्यान से देखें बी ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ सी और सी ओ डी, सी ओ डी ये वाला, है ना? ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एक कॉमन आर्म है और आपकी दो अनकॉमन आर्म जो है इधर उधर है आपकी, है ना? और बीच में आपका ये क्या है? वर्टेक्स है ना? कॉमन है आपका वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स से ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर हम बात करें लीनियर पेयर की, तो चलिए देखते हैं आपके पेयर कौन कौन से बन सकते हैं। लेट से हम यहां पर देखते हैं ए ओ डी, और आपका बन जाएगा बी ओ डी, ठीक है, ए ओ डी और बी ओ डी, ए ओ डी ये वाला, ठीक है, और बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला एंगल, है ना? ये आपके लीनियर पेयर फॉर्म होंगे, क्योंकि जो आपकी अनकॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, ये आपकी बेसिकली अपोजिट है एक दूसरे के, है ना? ये इधर भाग रही है, ये इधर भाग रही है, अनकॉमन है, नॉन कॉमन है ना? और कौन सा बन सकता है? ध्यान से देखें, आपका ये बन सकता है ए ओ सी, ए ओ सी, और एंगल आपका बन जाएगा बी ओ सी, है ना? ए ओ सी, अगर हम बात करें इसकी, ए ओ सी की, और बी ओ सी, आपका ये बन जाएगा बी ओ सी। ठीक है, इसमें भी वही केस है आपका, जो आपकी अनकॉमन आर्म है ये आपकी सेम है, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के, और आपका ये जो कॉमन आर्म है ये आपका ये है ओ सी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल, तो यहां पर हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आपका एक ये स्ट्रेट लाइन बनता है, ए ओ बी जो पूरा लाइन है, ठीक है, 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि आपका ये जो ए बी लाइन है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है ना? ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वंस अगेन आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं जो भी एंगल्स होंगे, ठीक है, दोनों का सम आपका 180 डिग्री ही होगा, है ना? स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम, उन एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री ही आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन फिगर 10.33 फाइंड एक्स, फर्दर फाइंड एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी एंड ए ओ डी। ठीक है, यहां पर आपको फाइंड करना है एक्स और फाइंड करना है एंगल बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी। तो ये जो फिगर है आपका, ये फिगर है आपका 10.33। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर जो फिगर गिवन है इसको आप देखकर बता सकते हैं कि ए बी जो है आपका, ए बी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 शुड बी 180 डिग्री, है ना? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं यहां पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो फिगर है इसको आप ढंग से ऑब्जर्व करें। तो यहां पर आपको दिखेगा कि जो ए बी आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर बनने वाले सभी एंगल्स का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, है ना? तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना?
और या फिर आप बोल सकते हो एक लीनियर पेयर भी आप निकाल सकते हो। लीनियर पेयर में हम जैसे यहां पर देख लेते हैं कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और आपको चाहिए कि अपोजिट आपकी जो रेज है वो आपकी और यहां पर आपको चाहिए कि रेज आपकी अपोजिट होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम ये वाला एंगल ले लेते हैं प्लस एंगल बी ओ डी, ये भी आपका 180 डिग्री होगा। तो आप दोनों ही इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। तो चलिए एओडी आपका है x प्लस 10 और फिर है आपका डीओसी x है प्लस बीओसी, बीओसी आपका है x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x और यहां पर हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 इज 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री और आपका ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो यहां पर आ जाएगा आपका 150 3x, तो यहां पर आपका x का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर योर x। तो यहां पर आपका x का वैल्यू आ चुका है ना, 50 आपने यहां पर फाइंड कर लिया, तो x का वैल्यू आपका आ चुका है। तो आपका ये जो एंगल है x प्लस 10, यहां पर सिंपली क्या करना है आपको, पुट कर देना है इसका वैल्यू। तो x का वैल्यू आपका 50 है, तो 50 प्लस 10 विल बी 60 डिग्री और x डिग्री आपका ये वाला एंगल है DOC, तो x का वैल्यू आपका ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 50 डिग्री। थर्ड एंगल आपका BOC x प्लस 20, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। आप देख लीजिए इन तीनों का आप सम कर लीजिए, 70 प्लस 60 इज 130, 130 प्लस 50 इज 180, है ना। तीनों का सम आपका 180 आ चुका है, तो यहां से आपका वेरीफाई हो चुका है। तो जैसे ही आपने वेरीफाई किया, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो यहां पर लीनियर पेयर फॉर्म होता है एओडी, ठीक है, एओडी और आपका बीओडी। तो बीओडी के अंदर आपके दोनों ही आपके जो एंगल्स हैं वो आते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको ही आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। बोथ आर एक्चुअली सेम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन फिगर 10.34 रेज OA, OB, OC, OD एंड OE हैव द कॉमन एंड पॉइंट O, शो दैट फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर आपको फिगर गिवन है 10.34। अगर इस टाइप का आपके सामने कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको एडिशनली कुछ यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करोगे, एक यहां पर अपोजिट रे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। OA, OA जो आपकी लाइन है इसके जस्ट अपोजिट में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो इसे होगा क्या, मान लो कि इसको मैंने नाम दे दिया X, तो आपका जो AX है वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन जैसे ही ये होता है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पता ही है कि जैसे ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इन सभी का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूं लीनियर पेयर की, तो लीनियर पेयर यहां पर कौन सा बनेगा, अगर हम बात करें लीनियर पेयर की, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल AOB, ठीक है, AOB ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल AOB प्लस BOX, ठीक है, लीनियर पेयर होंगे। तो लीनियर पेयर जैसे ही होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं एंगल AOB, तो आपका एज इट इज लिखा रहेगा AOB प्लस, अगर हम बात करें एंगल BOX की, तो ये एंगल आपका दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, आप ध्यान से देखें BOX ये बना हुआ है आपका BOC से और आपका ये है COX, तो आप लिख सकते हो इसको BOC प्लस COX इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो, एंगल AOE एंड योर एंगल EOX, ठीक है, आप यहां पर ध्यान से देखें AOE, ठीक है, ये वाला एंगल और आपका EOX, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, है ना। तो AOE
और फिर जब हम बात करेंगे ईओएक्स की तो ये आपका दो एंगल से मिलके बना होगा, यहां पर लिख लेते हैं हम एओई प्लस ईओएक्स, तो यहां पर आपके दो एंगल हो जाएंगे डीओई प्लस डीओएक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, तो सिंपली आपने करना क्या है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपको ऐड कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है एओबी प्लस बीओसी प्लस सीओएक्स, ठीक है, और यहां पर आपका दूसरा इक्वेशन एओई प्लस डीओएक्स प्लस डीओई इज इक्वल टू 180 प्लस 180, है ना। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो आप देख सकते हो, थोड़ा यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो फिगर है, ठीक है, ये एंगल और आपका ये एंगल, ठीक है, ये टोटल एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, एंगल DOC, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये दो एंगल से मिलके बना हुआ है आपका, कौन कौन से दो एंगल है, COX और आपका है DOX, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दोगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस AOE प्लस DOE और ये हो जाएगा आपका एंगल DO C इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर सिर्फ क्या करना है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 10.35 एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर, इफ A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड A एंड B। तो यहां पर आपको फिगर 10.35 गिवन है, 10.35 दिस इज योर फिगर नंबर। तो यहां पर आपको एंगल AOC और एंगल BOC, आप देख सकते हैं एंगल AOC और BOC, BOC ये दोनों ही एंगल आपके लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है ना कि हिंट आपको गिवन है। और यहां पर दूसरी बात बोली गई है A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी हिंट हो गई, बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा हो चुका है। फाइंड ए एंड बी, आपको ए और बी निकालना है। अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो यानी कि दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो कैसा होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है ना। तो आप क्या बोलोगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है और ये आपकी इक्वेशन नंबर टू है, इस तरीके से, है ना। और AOC आपका क्या है, A है और ये आपका B है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये इक्वेशन आपकी सेकंड चल रही है। तो चलिए इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस बी माइनस ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 150 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, और प्लस बी और प्लस टू बी, दिस विल गिव यू 3b इज इक्वल टू 150। तो b का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पर b का वैल्यू आपका सॉल्व होके आ जाएगा 50 डिग्री। तो b का वैल्यू आपके पास आ चुका है, तो सिंपली क्या करोगे, आप इक्वेशन टू में इसको पुट कर दोगे, आपके पास a आ जाएगा, है ना। इसमें अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है और b का वैल्यू हम रखते हैं ये 50 डिग्री है और ये आपका 180 डिग्री, तो a का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो a का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो a का वैल्यू आ चुका है आपके पास और b का वैल्यू आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। बहुत सिंपल है, आपसे पूछा गया है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको बताना है कितने एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर 1 इज 2, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन 3 इज 6, ऑप्शन नंबर 4 इज 8। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, राइट इन द कमेंट सेक्शन योर करेक्ट आंसर 2, 4, 6 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है,
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ऑल कैन यू नेम। यहां पर आपको एक फिगर गिवन है 10.36 और इस फिगर को आपको देखकर बताना है कितने एडजेसेंट एंगल्स यहां पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इसका भी आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि कितने पेयर्स हैं एडजेसेंट एंगल्स के जो आपके सामने ये फिगर गिवन है। तो चलिए यहां पर मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूं, 8। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, देन 10, 12 और लास्ट ऑप्शन इज 14। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से कोई एक सही है। तो चलिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन फिगर 10.37 डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो यहां पर आपको चार एंगल गिवन है, एक है 3x, दूसरा भी 3x है और तीसरा 150 और चौथा है x। तो यहां पर आप देखकर बता सकते हैं, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट आपका ये है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया यहां पर। तो आप जानते हैं अगर मैं यहां से शुरू करूं और पूरा चक्कर लगाकर वापस आ जाऊं तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 360 डिग्री का, यानी कि सबका जो समेशन होगा, सम होगा, वो होगा 360 डिग्री। तो बहुत सिंपल सी बात है, 3x + 3x + 150 + x = 360। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6x और देन 7x + 150 = 360 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा आपका 7x = 360 - 150। ओके, सो यहां पर आ जाएगा आपका 210 7x और x का वैल्यू आपका आ जाएगा 210/7। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा आपका 30 डिग्री, है ना, x का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री और x का वैल्यू ही आपको निकालना था। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन फिगर 10.38 AOC इज अ लाइन। ठीक है, AOC आपका लाइन है, AOC इज अ लाइन, फाइंड x। तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहां पर आपको दो एंगल्स गिवन है, एक है आपका AOB, ठीक है, वो है 70 डिग्री और आप देख सकते हैं यहां पर है COB, वो है आपका 2x, एक है 70 डिग्री। तो ये है आपका फिगर नंबर 10.38। तो आप यहां पर देखकर बता सकते हैं कि आपके दो एंगल हैं और दोनों ही आपके किस टाइप के एंगल हैं, लीनियर पेयर बनते हैं, है ना। लीनियर पेयर कैसे हैं, एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, है ना, BOC आपका ये भी एंगल हो गया और ये दोनों ही आपके लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। लीनियर पेयर हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, अनकॉमन जो आर्म है वो आपकी अपोजिट होंगे एक दूसरे के, OC और OA जो है आपस में अपोजिट हैं, है ना, और आपकी ये कॉमन आर्म है OB, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स आर बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। तो आप कह सकते हो दोनों का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा ही होगा। तो AOB आपके पास गिवन है 70 डिग्री और BOC आपके पास गिवन है 2x। आपने देखा कितना आसान है ना, 2x = 180 degree - 70, सो दिस विल गिव यू 110 2x, x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 110/2, सो दिस विल गिव यू 55 degree। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया 55 degree। दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। इन फिगर 10.39 POS इज अ लाइन, फाइंड x। तो ये आपकी फिगर है 10.39। ओके, तो यहां पर आपको फाइंड करना है x, ठीक है, POS आपको गिवन है कि एक लाइन है आपका POS, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक लाइन है। तो इस पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, आपका 180 डिग्री होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर लीनियर पेयर फॉर्म हम कर सकते हैं आसानी से। किस तरीके से, लेट्स से कि आपका जो POQ है, POQ,
ठीक है, और आपका एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, पी ओ क्यू की बात करते हैं, तो यहां पर आपका पी ओ क्यू एंगल ये बनता है ना, दिस इज योर पी ओ क्यू, और क्यू ओ एस कौन सा है, क्यू ओ एस, है ना, ये पूरा का पूरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस, और क्यू ओ एस जो है आपका दो एंगल से मिलके बना है, एक है आपका एंगल क्यू ओ आर प्लस एक है आपका आर ओ एस, है ना, दो एंगल से मिलके बना है, तो ये एंगल है आपका 4x और ये है आपका 40 डिग्री, और POQ का वैल्यू जो है वो है आपका 60 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि एंगल POQ प्लस एंगल QOS इनका जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, आप कह सकते हो लीनियर पेयर फॉर्म होगा, ठीक है, और QOS को आप ये भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से POQ आपको गिवन है 60 डिग्री प्लस QOS को आप क्या लिख सकते हो 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 60 प्लस 40 आपका हो जाएगा 100, ठीक है, 100 आपका यहां पे जाकर माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 80 और यहां पर बचेगा आपके पास 4x, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 11 टू 19 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 1 से लेकर 10 तक, अगर इनमें आपको कहीं डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।